सुबह सुबह उठा तो करने को तो कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा सबसे पहले बाइक वाइक निकालूँ। तो जाके मैंने अपना दरवाज़ा खोला घर का, तो दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने बाइक वाइक निकाली। तो करने को कुछ था नहीं, तो बाहर कुछ घर का सबसे पहले सामान लेने चला गया। सामान लेने बाहर जा ही रहा था तो बाहर धूप इतनी तेज़ थी कि गर्मी जितनी मुझे लगी, मैंने सोचा कहीं बाहर पूल पे जाते हैं नहा नहू कराते हैं। दोस्तों वगैरह से बात की मैंने, वो कहता भाई आ जाओ चलते हैं पूल पे। तो जा ही रहा था तो घर से कॉल आ गई कि वो ये भी लाना है और वो भी लाना है। तो ये सारा कुछ लेने के लिए मैं निकल पड़ा। आखिरकार जाते जाते मैं केक्स एंड बेक्स जाना था मैंने, तो जब मैं केक्स एंड बेक्स पहुंचा, मैंने चूज़े चूज़े ढूंढी कि क्या कुछ लेना है। वहाँ से सारा कुछ खरीद खरूद के स्कूल से दोस्तों के पास गया हूँ घर पकड़ा के। फिर हमारा वो देखे पीछे प्लान बन रहा था कि इस स्कूल नहीं इस स्कूल जाना है। तो जब आखिर प्लान प्लून हो गया, सारे लड़के इकट्ठे हुए, तो ये हम गए हैं समी के घर जनाब, अपनी बाइक निकाल रहे हैं। वहाँ से हम निकल पड़े हैं पूल पे जाने के लिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे, वो एक आगे बाइक पे जा रहे हैं दोस्त वगैरह। अब एक और लड़के को घर से पकड़ना है, तो सारे निकल जाएंगे आगे के लिए। फिर आखिरकार हम पूल पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि मौसम बहुत सही हो गया, बादल बूदल आ गए हैं। पैसे दया करने से अच्छा बंदा वापस घर चला जाए। अब हमारा रस वापस आ रहे हैं तो ये देखे सारा पिंडे टाइप सा है, सारी जगह समझ समझ कुछ आ नहीं रही, गंदी मंदी जगह है, पता नहीं कौन सी गली में घुसना है तो कहाँ घुसे जा रहे हैं हम। तो आखिरकार मुश्किल से बाहर पहुँचे हैं, तो बाहर का बादल माशाल्लाह, मौसम चेक करें कितना खूबसूरत। वापस हम दोस्त घर जा रहे थे तो रास्ते में प्लान बना स्लश पीने का। स्लश पी वो के जब सारे घर चले गए तो घर में आगे देखा मौसम इतना प्यारा हो गया, तो इतनी तेज़ बारिश और अंधेरी चलने लगी कि मैं उसमें नहाने लग गया। थोड़ी बहुत देर बाद जब ओले वगैरह पड़े, मैंने ओले इकट्ठे किए स्पेशल, फिर सुकून से बैठ के खा।